दोस्तों अगर आप भी भारत की जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच जीता भारत तो भड़क उठी सानिया मिर्जा ने उगला भारतीय टीम पर जहर, कही खून खोला देने वाली बात, लेकिन हार्दिक पांड्या ने दिया ऐसा मुंहतोड़ करारा जवाब कि जानकर पूरा देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों आपको पहले वनडे के बाद हार्दिक और सानिया मिर्जा के बीच ये जो बहस हुई है वो वीडियो में तो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला समाप्त हो चुका है और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट से जीत हासिल की। हुआ ये कि इस मैच में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले 188 रनों पर ही ढेर कर देना भारतीय टीम के लिए सही संकेत थे। यहाँ पर मोहम्मद शमी ने 3 तो वहीं मोहम्मद सिराज को भी 3 विकेट मिले। हालांकि हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला और 2 विकेट रविंद्र जडेजा के नाम रहे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो ईशान किशन, सुमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और यहाँ तक कि हार्दिक पांड्या भी कुल मिलाकर 83 रन बना पाए और टीम इंडिया एक के बाद एक अपने विकेट गिराती चली गई, जिसके चलते भारतीय टीम तो मुसीबत में थी। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए संकट मोचन बनकर उभरे केएल राहुल और रविंद्र जडेजा, जहाँ दोनों ही बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी को अंजाम दिया और इस बीच केएल राहुल ने 91 गेंदों में 7 चौके 1 छक्के की बदौलत 75 रन बनाए। तो वही उनका साथ निभा रहे रविंद्र जडेजा ने 69 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके भी लगाए, जिसके चलते भारतीय टीम को जीत अर्जित हुई। और दोस्तों भारतीय टीम की जीत के बाद तो आपको पता ही है कि देश दुनिया भर में बवाल मच जाता है और अब पहला वनडे मुकाबला जीतने के साथ ही भारतीय टीम पर हमारे खुद के देश की होते हुए भी पाकिस्तान में रह रही सानिया मिर्जा ने भड़काऊ बयान देते हुए सभी का खून खोला देने वाला कार्य किया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सानिया मिर्जा ने भारतीय टीम की आलोचना करते हुए बोला, आखिरकार भारत की टीम कब तक ऐसे ही मुकाबले जीतती रहेगी? उसने पहले टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ शुरुआती 2 मैचों को पिच बनाकर खराब जीता था और अब वनडे सीरीज की जब शुरुआत हुई है तो ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के हौसले डगमगाने के लिए इन्होंने फिर से वही खेल खेलने की कोशिश की है। ये जानते हैं कि 2 वनडे मुकाबले अगर ये जीत गए तो वनडे सीरीज इनके नाम हो जाएगी और इन भारतीयों ने पहले वनडे में तो पिच खराब बना ली अपने हिसाब से और अब दूसरे वनडे में भी हमको यही देखने के लिए मिलेगा। आखिर कब तक ICC चुप रहेगा? वो हमेशा इन सब बातों को नजरअंदाज करता है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि ICC को भारत पर एक्शन लेना चाहिए और जिस प्रकार की पिच बनाकर मैच जीत रहे हैं भारत पर सख्त से सख्त एक्शन लेकर उन पर बैन लगाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद सानिया मिर्जा तो भड़क गई, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने मुंहतोड़ करारा जवाब देते हुए बोला कि हम कोई भी पिच अपने अनुकूल बनाकर मैच नहीं जीत रहे हैं, आप चाहे मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया में करवा लो या फिर अपने देश पाकिस्तान में, हम जाकर वहाँ भी मैच जीतेंगे ही, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो या फिर पाकिस्तान की टीम, हम यहाँ मेहनत करके पहुँचे हैं, हमारे खिलाड़ियों की मेहनत पूरे विश्व विख्यात है और हम जानते हैं कि हमें कोई भी टीम हमारी सरजमी पर तो हरा नहीं सकती। तो दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या का ये मुंहतोड़ करारा जवाब सुनकर पूरा देश उनको सलाम ठोक रहा है। और अब आप सभी की क्या राय है, हार्दिक पांड्या ने जो कहा वो बिल्कुल सही है या फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।